राधे कृष्ण फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम कान्हाजी क्राफ्ट वीडियोस बनाते हैं। तो आज हम अपने ठाकुर जी के लिए इस टाइप के जो है जबला ड्रेस बनाने जा रहे हैं। इसमें मैंने प्रॉपर ड्रेस में ऊपर जो है फ्रिल लगाई है, प्लस इसका जो लुक है वो वेस्टर्न वाला है, और इसको आप कैप के साथ बना सकते हो, और इसको बनाना बहुत आसान है, प्लस ये बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए। तो आइए फटाफट से देना करते हुए वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको बनाने के लिए अपने ठाकुर जी का, आपके पास जो भी आप साइज़ के ठाकुर जी हैं, आपने उनका नाइट सूट ले लेना है। कोई भी इस टाइप का जो है आपके पास शर्ट वाला सूट है, तो उसकी आपने सिर्फ शर्ट यूज़ करनी, मतलब शर्ट लेनी है मेज़रमेंट के लिए। तो शर्ट के जितना हमने डबल करके फैब्रिक कट करना है, जैसे कि ये वाला जो शर्ट का विद आर्म्स के साथ इतना मेज़रमेंट है उसका, मैंने कुछ इस तरह से ये देखिए डबल करके इतना फैब्रिक मैंने कट किया है। तो ये देखिए हमारे पास इतना अभी के लिए फैब्रिक है। तो अभी हम फैब्रिक को क्या करेंगे, इस तरह से मैंने इस फैब्रिक को डबल किया, अगेन मैंने डबल किया, हल्का सा यहाँ पे एक्स्ट्रा रखेंगे, दो नीचे वाले जो हमारे जो अलग अलग वाले पार्ट हैं, मतलब जॉइंट वाला, ये दोनों पार्ट जो है जॉइंट है क्योंकि मैंने डबल किया है, वो हल्का सा इधर वाली साइड में रखेंगे, और जो किनारे वाले हैं मतलब खुले हुए हैं पार्ट्स, वो जो है हमने एक साथ रखने हैं। और इस तरह से मैंने इसको क्या करना है, कट लगाना है एक, उसको आपने कैसे लगाना है, कुछ इस तरह से, जैसे हम किसी भी जो है नॉर्मल सूट की शोल्डर्स वाली कटिंग करते हैं, उस तरह से हमने इसको कट करना है। अब हम इसको ओपन करेंगे, तो ये देखिए ये कुछ इस तरह का जो है बनकर पीस रेडी हो जाने वाला है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने एक और स्ट्रिप ली है, लॉन्ग साइज़ की ये स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप को मैंने एक साइड में, मतलब बैक वाली साइड में, हम इस तरह से इस वाले शोल्डर पे और इस वाले शोल्डर पे एक साइड में मैंने स्टिच करके लगाना है। तो जो मैंने अभी स्ट्रिप ली थी वो जैसे एक शोल्डर पे मैंने लगा लिया, दूसरे शोल्डर पे मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस ये वाला रिवर्सिबल साइड से लिया, और इसको भी मैंने कुछ इस तरह से इसके ऊपर रिवर्सिबल साइड में रखना है। तो इस तरह से हम रखेंगे और इसके ऊपर गुलाई में ही स्टिच लगाएंगे। वो कैसे लगेगा, ज़रा ज़रा से इसको घुमाते जाना है, तो इसमें जो है कोई भी हमने सिलवट नहीं डालनी, तो इसको घुमाते जाएंगे साथ साथ, तो ये जो है बनकर रेडी हो जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, इसको फ्रंट वाली साइड में लेकर जाएंगे और फिर से इसको जो है हल्का सा फोल्ड करके हेमिंग कर लेंगे। तो ये है हमारा, इसके बाद देखिए हम आए इधर साइड फ्रंट साइड में। तो फ्रंट साइड में मैंने क्या किया, ये वाली जो है अंदर वाली जो मैंने अभी स्ट्रिप लगाई थी उसको मैंने बाहर वाली साइड में घुमाकर लेके आई, और इसको यहाँ पे मैंने हल्का सा फोल्ड किया, हल्का सा फोल्ड करके इसको हेमिंग कर दूंगी। तो ठाकुर जी के लिए बहुत अच्छे से शोल्डर ये जो है तैयार हो जाएंगे, दोनों शोल्डर्स पे, दोनों साइड जो भी मैंने स्ट्रिप लगाई है उनका सेम प्रोसेस में मैंने इनको रेडी कर लेना है। तो जैसे ही ये रेडी हो जाएंगे, उसके बाद हमने एक बनानी है फ्रिल। तो फ्रिल बनाने के लिए मैंने लॉन्ग लॉन्ग साइज़ की 5 या 6 स्ट्रिप्स आपको लेनी होंगी। तो 5 या 6 स्ट्रिप्स लेने के बाद हमने उनको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल वन साइड में हेमिंग करनी है। तो सबसे पहले ये दोनों शोल्डर्स मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो जैसे ही ये दोनों शोल्डर्स जो है ये रेडी हो गए हैं, अभी मैंने क्या करना है, एक मैंने स्ट्रिप ली, उसके मैंने नीचे वाली साइड में हेमिंग कर ली है। ये जो स्ट्रिप की लेंथ है वो मैंने 1 मीटर की ली है, और इसके नीचे मैंने हेमिंग कर ली है बारीक सी, ये देखिए बैक साइड से। तो अभी मैंने क्या करना है, उसके बाद मैंने इस तरह से दूर दूर में प्लेट्स डालकर एक जो है स्ट्रिप रेडी कर लेनी है। और स्ट्रिप रेडी जैसे ही मेरी हो जाएगी, वो फ्रिल एज अ फ्रिल मैं इसको यूज़ करूँगी, तो वो हाफ़ में जहाँ तक ये शोल्डर का हाफ जो है बॉटम पार्ट आता है यहाँ पर, और इस तरह से मैं फ्रिल को ऐड करूँगी। तो इस तरह से मैंने 2-3 जो है 4 जितनी भी हमारी ऊपर तक यहाँ तक जो है टॉप तक स्ट्रिप्स ऐड हो जाती हैं उतनी मैं कर लूँगी। तो ये देखिए आप इस तरह से जो है हमारे पास फ्रिल्स बनकर रेडी हो जाती हैं। अभी मैंने क्या करना है, ये जो मैंने अभी जो पोर्शन बेस मतलब ड्रेस का वो रेडी किया है, उसके मैंने बिल्कुल नीचे वाली साइड से ये वाला जो है लगाना स्टार्ट करना है अपनी फ्रिल्स को। फ्रिल्स के साइड से मैंने हल्का सा इसको मोड़ लेना है ताकि कोई भी थ्रेड वगैरह बाहर ना निकले, और प्रॉपर फिनिशिंग में ये वाली जो स्ट्रिप्स है वो लग जाए। तो ऐसे ही मैंने जो है सभी स्ट्रिप्स को लगा लेना है, और बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारे शोल्डर्स की बॉटम पार्ट है वहाँ तक की मैंने स्ट्रिप ऐड करनी है, एक्स्ट्रा स्ट्रिप को जो मैंने कट करके ऊपर वाली साइड में लगाना है। तो इसी तरह से जितनी भी मेरे पास स्ट्रिप्स बनती हैं पास पास में करके मैंने उनको सबको ऐड कर लेना है। तो कुछ इस तरह से मेरी जो है स्ट्रिप्स ऐड हो जाएंगी।
और उसके बाद हमने ऊपर वाली साइड में मतलब जितनी भी स्ट्रिप्स हमारी जो है घेरे में कवर हो रही है उतनी हमने लगानी है। तो ये एक मेरी स्ट्रिप कवर हो गई, उसके बाद ये मैंने सेकंड स्ट्रिप लगाना स्टार्ट करना है यहाँ से। तो यहाँ से भी हल्की सी मैं स्ट्रिप को फोल्ड कर लूँगी और ये मैं लगाऊँगी यहाँ पे। हल्का सा ऊपर करके मैंने एक और स्ट्रिप लगाई और ऐसे ही करके मैंने और ऊपर करके मैंने जो है सभी स्ट्रिप्स को कवर करके ऊपर वाला जो पोर्शन है वो रेडी कर लेना है। यहाँ पर आएगी जब जो है स्ट्रिप का साइज़ इतना सा हो जाएगा, क्योंकि फ्रंट में आएगी ठाकुर जी की, ये वाले जो है ठाकुर जी के शोल्डर्स का काम करेंगे। तो वो अभी आप हम जो है लास्ट में इसको जॉइंट करेंगे तो वो ये ड्रेस जो है बहुत सुंदर सी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए जैसे कि दो फ्रिल्स लग चुकी हैं, ऐसे ही मैंने तीन या चार या पाँच जितनी भी हमारी स्ट्रिप्स जो है कवर हो सकती हैं एरिया के अंदर, तो उतनी सी हमने लगाकर इनको जो है कवर कर देना है। तो कवर होते ही ये जो फ्रंट लुक रेडी हो जाएगी और जो साइड्स में हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक रहता है मींस उनको हेमिंग कर देनी है दोनों तीनों साइड्स में, जो भी हमारा कट किया हुआ रह जाता है इस तरह से, और दूसरी साइड भी हम सेम प्रोसेस में करेंगे। और इसके साथ ही हमने इतना करके रेडी करना है। तो नाउ ये देखिए सबसे सब कुछ मैंने रेडी कर लिया है, यहाँ पे मैंने हेमिंग कर दी, प्रॉपर फ्रिल्स को ऐड कर लिया है। उसके बाद हमने इसको जॉइंट करना है कि हम ठाकुर जी को पहनाएंगे कैसे, वो इस तरह से होगा यहाँ पे और यहाँ पे। तो इसको इस तरह से हमने मतलब ये वाले जो शोल्डर को इस तरह से जॉइंट करना है, लेकिन कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। हमने लेनी है एक स्मॉल साइज़ की स्ट्रिप, तो कोई भी आप स्ट्रिप ले लीजिए। तो इसको मैंने बैक साइड में कुछ इस तरह से लगाना है, रिवर्सिबल साइड में लूँगी। तो और ये जो स्ट्रिप है वो भी मैं जो है फोल्ड मतलब बैक साइड से ले रही हूँ, रिवर्सिबल करके रिवर्स करके ले रही हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको इस तरह से स्टिच लगाया, लेकिन ध्यान रहे कि ये वाला जो शोल्डर है और ये वाला स्ट्रिप मेरे साथ में जॉइंट होने चाहिए, मीन्स इनमें डिस्टेंस मैंने नहीं छोड़ना। और वैसे ही मैंने इधर वाले शोल्डर और इधर वाले जो है पोर्शन के अंदर डिस्टेंस नहीं छोड़ना, और इस जो फ्रिल को कवर मैंने कर देना है। और जो सेकंड साइड से मैंने हल्का सा फोल्ड कर देना है इसमें फिनिशिंग के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरह से ये वाला जो है हमारा बनकर रेडी हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, इसको सीधा करेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए ये सारा जॉइंट हो चुका है, और इसको सीधा करके फ्रंट वाली साइड में हमने इसको हल्का सा फोल्ड करके स्टिच लगा देना है। तो जैसे ही हम स्टिच लगाएंगे तो उसके साथ ही ये जो जबला है वेस्टर्न लुक में वो बनकर रेडी हो जाएगा। अभी हमारा एक लास्ट काम बच जाता है, वो है वेलक्रो टेप को ऐड करना। तो वेलक्रो टेप आपको कहाँ पे ऐड करनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक वेलक्रो टेप का पीस आप यहाँ पे लगाएंगे और एक यहाँ पे लगाएंगे, दो पीस हो गए, मीन्स एक जो यहाँ पे हमने लगाया है नेक के अराउंड होकर यहाँ पे टाई हो जाएगा, और एक पीस आपने लगाना है मतलब बैक साइड में कुछ इस तरह से, यहाँ पे एक यहाँ पे और एक इधर वाली साइड में इस तरह से आएगा। तो ये देखिए जब हम अपने ठाकुर जी को पहनाएंगे तो कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। ये वाले हमारे ठाकुर जी के शोल्डर रहेंगे, तो बहुत ही सुंदर लुक में वेस्टर्न लुक में के साथ ये वाला जो जबला है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए आइडिया के साथ। राधे राधे फ्रेंड्स।